बढ़ते हैं खबरों का रुख करते हैं। अंबिकापुर और सरगुजा के बदहाल हो चुके नेशनल हाईवे 43 की खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ है। सरगुजा लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज, कलेक्टर सरगुजा और नेशनल हाईवे के इंजीनियर स्कूटी में सवार होकर जर्जर हो चुके सड़कों की जानकारी लेने पहुंचे और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या सांसद चिंतामणि महाराज को बताया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द जर्जर हो चुके सड़कों को बनवाने का आश्वासन दिया है। एनडीटीवी ने 25 जुलाई को और 12 अगस्त को इन खबरों को प्रमुखता से दिखाई। गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक काफ़ी गड्ढे हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं अभी सत्र में दिल्ली गया था, उस समय कई फोन आए यहाँ रोड चलने लायक स्थिति में नहीं है। तो मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और मैं सोचा लोगों का समस्या है तो उसको जा करके मैं देख लूँ, और वही देखने जिला प्रशासन भी है और हमारे और जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, सब मिलकर के देख रहे हैं कि इसको कैसे सुव्यवस्थित कर रहे हैं। कब तक सुधार मिलेगा, कब तक यहाँ के लोगों को नहीं, अभी तुरंत में तो टेम्प्रोरी व्यवस्था होगा, क्योंकि अभी इसमें डामर का काम हो नहीं सकता है। बरसात निकलने के बाद ही डामर का काम होगा, लेकिन अभी लोगों को चलने में दिक्कत ना हो बस इसका व्यवस्था भी करेंगे। बारिश के बाद क्या नई सड़क बनाई जाएगी? बिल्कुल, कई जगह आप देखे होंगे बीच में कहीं पर गड्ढा है, उधर ऊंचाई है, इधर ऊंचाई है, तो इस कारण से पानी रुकता है, तो उसको हाइट करेंगे तभी पानी नहीं रुकेगा। वो पूरा प्लानिंग के तहत करेंगे जिससे कि आगे जा करके लोगों को दिक्कत ना हो। रोमी सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोमी, यहाँ पे एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ, क्योंकि बदहाल सड़कों की हालत को हमने दिखाया था और अब देखिए सांसद और पूरा प्रशासनिक अमला ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। क्या आश्वासन इन्होंने लोगों को दिया है? जी, निश्चित तौर पर एनडीटीवी खबर का असर हुआ है। और खासकर बताना चाहूंगा, एनडीटीवी लगातार नेशनल हाईवे सहित शहर के मुख्य मार्गों की जो स्थिति है बरसात में, उसको लेकर लगातार आम लोगों की आवाज उठाता रहा है। इसी के मद्देनजर आज जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर और सांसद चिंतामणि महाराज दोनों स्कूटी से नेशनल हाईवे 43 का जायजा लेने निकले और तमाम सड़कों को देखते हुए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर है उन्हें निर्देश दिया है कि क्योंकि बरसात में डामरीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था कर सब ने बोरूम फिलिंग करते हुए गिट्टी का डस्ट डाले ताकि कीचड़ से राहत मिले और दुर्घटना से लोगों को बचे। इसके साथ ही कलेक्टर ने जो हाईवे के इंजीनियर है उनको कहा है कि बरसात खत्म होने के साथ ही जो सड़कें खराब हो चुकी नेशनल हाईवे की उसे तत्काल रिपेयर किया जाए और जहां आवश्यकता हो वहां पे बकायदा रोड पहुंचा के ताकि पानी सड़क में न पाए। जी तो बिल्कुल, अब लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, लोगों का रोड को लेकर अभी भी आक्रोश बना हुआ है। जब तक कि रोड का मरम्मत ना हो सके, लोगों को आत्मसम्मान मिलने पर, हालांकि वो उनका गुस्सा कुछ कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब तक कि प्रशासन जर्जर सड़कों को बनाए, क्योंकि रोज दुर्घटनाएं हो रही है, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को, कामकाजी महिलाओं को दिक्कत हो रही है, स्कूटी से डेली दुर्घटनाएं हो रही है, इसे लेकर आम लोगों में अभी तक जो आक्रोश है वो कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं, लेकिन अगर रोड का अगर रिपेयरिंग होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की आक्रोश या कहीं शांत हो सकता है। जी बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए रोमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल